दोस्तों आज आपको ये वीडियो के अंदर चाइना कलर किट का एक पावर प्रॉब्लम रिपेयर करके देखूंगा। तो दोस्तों ये पीसीबी का ऑल पार्ट्स ओके है, तब भी ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये एक न्यू किट है, तो कभी कभी क्या होता है कि छोटा छोटा प्रॉब्लम बड़ा भी हो जाता है, कुछ भी टेक्नीशियन हो सकता है, सही से वो प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पाएगा तो छोटा प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाएगा कि एक एक पार्ट्स के एक एक करके सब कुछ पार्ट्स चेंज करेगा तो तब भी प्रॉब्लम रिपेयर नहीं होता है। इसी तरह ये एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, तब भी बहुत मेहनत लगा ये पीसीबी को रेडी करने के लिए। किस तरह मैं ये पीसीबी को रेडी किया, चलिए दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, आपका भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा आप न्यू टेक्नीशियन होगा तो। हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके देखूँगा मार्केट का जो न्यू सीआरटी टीवी किट है, ये सीआरटी टीवी किट रिपेयर करके। तो दोस्तों ये पूरा न्यू एक सीआरटी टीवी किट है और अब देख सकते हो पूरा पीसीबी को अच्छा करके, ठीक है, पूरा फ्रेश कंडीशन पर मेरा पास आया है। और इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑन कंडीशन पर है, ऑफ कंडीशन पर है, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका सब कुछ कनेक्शन है, यहाँ पर ही कनेक्शन मैं अभी किया और आपको सप्लाई देखिए एक बार दिखाऊंगा। मैं पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्ट नहीं किया, इसका पैनल आप देख सकते हो, ठीक है, और ये की का ये लगाने का ज़रूरत नहीं है, ओनली ये सेंसर का वायर मैं कनेक्ट किया, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई देखिए आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर कितना बोल्ट मिल रहा है, उसके बाद आपको बहुत क्लियर करके समझाने के लिए कोशिश करूँगा। मीटर को 200 डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, पीसीबी को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ, मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि ईएसटी बन रहा है कि नहीं, तो नेगेटिव को नेगेटिव पर रखना पड़ेगा। और ये जो डायोड है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डायोड पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है, पूरा वोल्टेज ज़ीरो है। चलिए अलग अलग डायोड पर वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो ये जो डायोड है यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पर जो डायोड है यहाँ पर भी दोस्तों देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पर जो डायोड है जो साउंड आईसी का सप्लाई डायोड यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब दोस्तों जितना अलग अलग आउटपुट सप्लाई डायोड है ये सब डायोड का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा कि मीटर को 600 डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, आपको पावर सेक्शन का मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं देखता हूँ, मेन पावर फिल्टर कैपेसिटर है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर जो है इसका अंदर वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है 300, देखिए 323 वोल्ट, ठीक है, 323 वोल्ट मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज है। तो दोस्तों मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जब वोल्टेज मिलेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज ट्रांजिस्टर पर जा रहा है कि नहीं, तो इसलिए मीटर का नेगेटिव पॉड ये जो हॉट सेक्शन है, हॉट सेक्शन का नेगेटिव का अंदर आपको नेगेटिव पर रखना पड़ेगा। और आपको ये जो ट्रांजिस्टर है इसका मिडिल पिन पर चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वोल्टेज 320 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, मतलब पावर सेक्शन का अंदर वोल्टेज है तब भी इसका कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो मेनली इसका फॉल्ट क्या है, तो कुछ बेसिक वोल्टेज चेक करना पड़ेगा जो अधिकतर होता है। ये जो मेन सप्लाई लाइन, यह से एक रेजिस्टेंस है और यह सारा एक रेजिस्टेंस इधर है, यहाँ पर 18 वोल्ट का आसपास देखा जाता है। तो चलिए एक बार यहाँ पर वोल्टेज चेक करके देखता हूँ और आपको भी अगर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए मीटर का नेगेटिव कॉर्ड यहाँ पर रखता हूँ, रखने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर दोस्तों 18 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अभी मैं पीसीबी को थोड़ा सा सेट किया, सेट करने के बाद आपको कुछ वोल्टेज चेक करके अच्छा करके चेक करके देखाऊंगा। मीटर को 200 डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया और अभी एक बार सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी इंडिकेटर नहीं चल रहा है और वोल्टेज आप देखिए
110 वोल्ट लाइन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, आर्टिकल सप्लाई लाइन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, साउंड आईसी पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर को 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पर 323 वोल्ट है और ये जो दो रेजिस्टेंस देखा जाता है इसका अंदर 170 और ये साइड 19 वोल्ट है। जो ये दोस्तों यहाँ पर एक जेनर डायोड है, यहाँ पर भी वोल्टेज इसी तरह देखा जाता है। जो बेस पावर ट्रांजिस्टर का बेस पिन होता है, ये बेस पिन पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए मीटर को 20 वोल्ट रेंज पर सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सिग्नल आ रहा है, तब भी ये चालू नहीं हो रहा है। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो कॉइल है, ये कॉइल से एक डायोड है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज आता है, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो और क्या देखना पड़ेगा आपको? फर्स्ट टाइम तो दिखाया कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर वोल्टेज आना चाहिए, कलेक्टर पिन पर 321 वोल्ट है। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको जो दिखाऊंगा वो दिखता है। इसका अंदर जो डायोड देखा जाता है लाल वाला डायोड, इसका वोल्टेज वैल्यू कितना है, चलिए मैं उसका पहले ये डायोड को ओपन करके आपको ये चेंज करके दिखाऊंगा। 24148 का डायोड है और एक वोल्टेज डायोड है, ये मिडिल पोजिशन, उसका ऊपर और नीचे 4148 का डायोड है। ये डायोड ओपन करके उसका बात उसका पहले दिखाऊंगा कि अभी इसका अंदर चार्ज स्टोर है कि नहीं है। तो दोस्तों इसका अंदर देखिए चार्ज स्टोर नहीं है, तुरंत ऑफ हो गया। चलिए दोबारा सप्लाई देकर दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, इसका अंदर कितना वोल्ट है, 321 वोल्ट है। सप्लाई को ऑफ कर दिया, चार्ज देखिए स्टोर है बट ये तुरंत डाउन हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और क्या देखना पड़ेगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं तीनों डायोड को ओपन किया, तो जो जेनर डायोड का वैल्यू है तो दोस्तों सर्किट का अंदर 9.1 है और मैं यहाँ पर जो डायोड लगा रहा हूँ 8.2 वोल्ट का जेनर डायोड, ठीक है। तो फर्स्ट ये डायोड मैं ये मिडिल पोजीशन पर लगाता हूँ, ये 8.2 वोल्ट का। और दोस्तों यहाँ पर दो डायोड है जो 4148 का, ये 4148 का डायोड है। चलिए मैं लगा के आपका सामने सप्लाई देके देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। ओनली यहाँ पर तीनों डायोड को मैं चेंज कर रहा हूँ, उसका बाद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात, और नहीं होगा तो और क्या करना पड़ेगा तो ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये इसका अंदर ये पुराना वाला डायोड है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका सामने मैं सोल्डरिंग करूँगा और सप्लाई देके भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। तो दोस्तों तीन डार्ट को मैं सोल्डरिंग कर दिया। एक्चुअली इसका एक्स्ट्रा जो काम है ये काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर भी कुछ इनका शॉर्ट हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ओनली तीनों डार्ट लगाया, तो चलिए अभी अगर सप्लाई देकर देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, अभी भी दोस्तों इसका इंडिकेटर नहीं चल रहा है और वोल्टेज भी एक बार देखना पड़ेगा। मीटर पर 200 डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, अभी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज दोस्तों आउटपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहा है 110 वोल्ट लाइन का, और अलग अलग डायोड पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और मीटर को 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, कैपेसिटर का अंदर वोल्टेज भी है, आउटपुट का अंदर वोल्टेज भी है और ये डायोड का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। चलिए फाइनली ये जो डायोड है, ठीक है, जो ये चॉपर से वोल्टेज निकल रहा है, ये जो डायोड लाइन है, ये डायोड को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। 154 नंबर यहाँ पर डायोड है तो आप 159 डायोड यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, सप्लाई ऑफ करके एक बार कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर है कि नहीं है आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो पावर का अंदर काम करने के बाद आपको झटका देगा। देखिए वोल्टेज अभी स्टोर नहीं है,
ये डाइट को एक बार चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली इसका जो प्रॉब्लम है ये निकला, तो देखिए क्या फॉल्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग फॉल्ट है। क्योंकि ये जो डायोड है ये तो काम नहीं कर रहा है, और ये डायोड मैं आपको बताया कि चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंदर वोल्टेज नहीं आ रहा है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन देखिए चॉपर का पिन है, तो ये अंदर से मतलब ये जो चॉपर का पॉइंट है, ये जो फॉइल लाइन ये टूट गया है। देखिए अच्छा करके मैं जब सोल्डरिंग कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो चॉपर का पॉइंट देखिए ये टूट गया, ठीक है, ये टूट गया, ये अंदर से टूट गया। तो क्या करना पड़ेगा, ये पीसीबी को सेम न्यू जैसा ये सेल करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है थोड़ा इसको घिसना पड़ेगा चाकू लेके, और इसका साथ सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो करके मैं आपको सप्लाई देके दिखाऊंगा। चलिए मैं मोबाइल कैमरा को सेट कर लेता हूँ, सेट करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये सोल्डरिंग हो रहा है कि हो गया है कि नहीं, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि ये पिन का साथ, ये देखिए अभी ये डायोड पॉइंट पर कनेक्ट हो गया। पहले ये ओपन था, ये लाइन से ये डायोड पॉइंट पर ओपन था। तो दोस्तों ये जो पॉइंट ये आसानी से नज़र में नहीं आता है, और इसी तरह प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए तो दोस्तों बहुत टफ हो जाता है, और बहुत टेक्नीशियन मॉड्यूलर लगाता है। तो अभी चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके सप्लाई देख के आपको दिखाऊँगा कि ये पीसीबी ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, आप देख सकते हो इसका इंडिकेटर जल रहा है, ये देखिए इसका इंडिकेटर जल गया, और वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा, आपको भी दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम बड़ा भी हो जाता है, सही से आप प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पाओगे। तो अभी ESD सप्लाई कितना है दोस्तों, देखिए 109 वोल्ट ESD सप्लाई बन रहा है, और वर्टिकल सप्लाई 26 वोल्ट बन गया। रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई देखिए 11 वोल्ट का आसपास बन रहा है, और साउंड सप्लाई ये भी बन गया। और अभी पावर, ये जो नेगेटिव पावर सेक्शन का वोल्टेज चेक करने के लिए पावर सेक्शन का नेगेटिव पर मीटर का कॉल रखना पड़ेगा। और ये जो डायोड है यहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए, देखिए 1.6 वोल्ट, ये वोल्टेज मिसिंग था, ठीक है। ये जो डायोड है ये वोल्टेज मिसिंग था, ठीक है दोस्तों। अभी 1.7 वोल्ट आ रहा है, यहाँ से ओनली ये पॉइंट लूज कॉन्टैक्ट के बजाय। तो अभी ये तो रेडी हो गया। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया